आज उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया है। उसमें आंगनबाड़ी वर्कर, उनकी सहायिकाएँ, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, आशा बहुएँ, खाना बनाने वाली रसोइयाँ, रोजगार सेवक, चौकीदार, शिक्षा अन्वेषक और शिक्षा मित्र, इन सारे लोगों सहित तमाम संविदा कर्मियों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है उनका मानदेय बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। और सरकार ने जो ये बजट पेश किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बजट पेश किया है, इससे जो है हमारे तमाम संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा और इस जो हमारे प्रदेश की जनता है इससे और खुशहाल होगी। और निश्चित तरीके से जो हमारी मांगे लगातार जिसकी लड़ाई हम लड़ते चले आए हैं बहुत दिनों से कि इन लोगों की, इन संविदा कर्मियों की मांगे पूरी की जाएं, और आज उन मांगों को पूरे करने का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पेश कर दिया। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूँ और सभी संविदा कर्मियों से भी अपील करता हूँ कि आप भी सब लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और ये जो बजट आया है इसका लाभ उठाने का काम करें। धन्यवाद। यात्रा का अनुभव कैसा रहा आपका?